वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्स आज वे वी शेयर इनकम टैक्स फाइनेंशियल लीगल एंड सेक्रेटरियल अपडेट्स विद यू सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ ओपीसी कंपनी जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होती है बट कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस भी होते हैं ठीक है तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं तो पहला इसका डिफरेंस है कि जैसे कि यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है वन पर्सन कंपनी वन पर्सन यानी कि इस कंपनी के अंदर एक ही मेंबर हो सकता है और वहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम टू मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगला डिफरेंस होता है कि ओपीसी में आपके पास एक डायरेक्टर से आप अपनी ओपीसी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए दो डायरेक्टर्स मैंडेटरी होते हैं और इसमें भी आप 15 डायरेक्टर तक उसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है। और रही बात मेंबर्स की तो जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप 200 मेंबर्स तक ऐड कर सकते हैं वहीं एक ओपीसी कंपनी में एक ही मेंबर्स होता है उसी के पास सारे बर्डन्स होते हैं और उसी के पास सारी लायबिलिटीज भी होती है। बट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने लोगों के पास जितने अमाउंट के शेयर्स होंगे उतनी लायबिलिटी उनके पास होगी। नेक्स्ट डिफरेंस है बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग यहाँ पर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी करनी पड़ती है और बोर्ड मीटिंग आपको एक ओबीसी में भी करनी पड़ती है बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और उनके बीच का डिफरेंस 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं एक ओबीसी को साल में सिर्फ दो बार बोर्ड मीटिंग करनी होगी वो भी उनका मैक्सिमम गैप 90 डेज का होता है ठीक है। उनको सिर्फ दो ही मीटिंग बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है बट एजीएम दोनों में एजीएम में भी क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग आपकी सिर्फ करनी पड़ती है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओपीसी में कोई मैंडेटरी नहीं होता एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल फाइलिंग आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी करना पड़ता है और एक ओपीसी में भी करना पड़ता है। ट्रांसफरेबिलिटी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट एक ओपीसी में आप ट्रांसफ़र तभी कर सकते हैं जब आप अपने एमओए को अल्टर करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप एक ओपीसी में नहीं कर सकते हैं नॉट एलिजिबल होता है वहीं आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने सुफिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐड करना मैंडेटरी है वैसे ही ओपीसी कंपनी को ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐड करना मैंडेटरी है। ओपीसी का उसके लिए बेनिफिशियल होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक और टर्नओवर 2 करोड़ तक होगा। अगर आप इससे ऊपर आपका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों में से कोई भी क्रॉस करता है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही जाना पड़ेगा या फिर अपनी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है। तो ये जो मेजर डिफरेंस बिटवीन है एक प्राइवेट लिमिटेड और एक ओपीसी में है तो ये थे हमारे मेजर डिफरेंस बिटवीन इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ओपीसी कंपनी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जाकर लाइक करें शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।